अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं YouTube चैनल। मैं हूं मोहम्मद शब्बीर अवान। ये है GVC Pro की LED 24 इंच की, और इसमें जो मसला आया है, जो प्रॉब्लम आई है, इसकी बैक लाइट की प्रॉब्लम आई है। ठीक है, यानी बैक लाइट ऑन नहीं होती थी, और यहाँ पे जो थी LED ग्रीन भी होती है और रेड भी होती है। आप देख रहे हैं यहाँ से, ये भी रेड पे है, उसके बाद ग्रीन भी हो जाती है। ये ग्रीन हो गई है, लेकिन इसकी जो थी लाइटें वगैरह वो ऑन नहीं होती थी। तो उसका जो सोल्यूशन निकाला है मैंने, वो आपको मैं शेयर करता हूँ। उसके लिए आपको ये करना होगा, ये इसमें आप ये देख लें, ये नीचे आप देख रहे हैं प्रिंट, ये यहाँ से 12 वोल्ट जाती है, यहाँ पे इस आईसी पे आती है, और इस आईसी से 12 वोल्ट जो है इस FTA को भी मिलती है। जब इस FTA को 12 वोल्ट नहीं मिलेगी, तो फिर हाई वोल्टेज जो आते हैं ना यहाँ पे 42 वोल्ट बनते हैं, वो नहीं बनेंगे। 12 वोल्ट तो यहाँ पे आपको 13 वोल्ट बन रहे हैं, लेकिन जो 42 वोल्ट बनेंगे वो नहीं बनेंगे जब तक कि ये यहाँ से इसे 12 वोल्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसी सूरत में आप देखें, नीचे प्रिंट जो है वो 12 वोल्ट वाला इधर से ही शॉर्ट हो गया था, रेफरेंस भी जल गई और सारा सिस्टम इसका ख़राब हो गया। तो आपने करना ये है कि यहाँ से आपने 12 वोल्ट लेने हैं और यहाँ आईसी पे लगाने हैं। ये आईसी जो है, इसको आपने ये क्या करना है, क्योंकि ये साइड इसकी जो थी ना 12 वोल्ट वाली, इसकी प्रिंट की, वो टोटल शॉर्ट हो गई है। तो इस आईसी को जो पिन नंबर इसकी 1 है, ये सामने जो आप देख रहे हैं, इसकी पिन को उठा के इसको टांका लगाना है, और टांका लगा के फिर आपने यहाँ पर एक रेफरेंस लगानी है 22 ओम की, और यहाँ से आपने वोल्टेज इधर दे देना है। जब यहाँ से आप वोल्ट इधर देंगे, तो ये वोल्ट ऑलरेडी इस पे भी आ जाएंगे, इस FET को जब इस पे आएंगे, तो इसका ये 42 वोल्ट या 30 वोल्ट जितने भी बनते हैं इसके, क्योंकि अलग अलग LED हैं ना, किसी में 32 वोल्ट पे इन्होंने काम लिया LED का, किसी पे 42 वोल्ट पे लगाई है, और किसी में 65 वोल्ट पे ये चालू किया। तो ये था इसका जो मैंने बाईपास किया है, नीचे वाला प्रिंट से हटा दिया। नीचे आप देखें, ये वाली वो नीचे प्रिंट देखें, जल गया है। तो ये था इसका मसला जो मैंने क्लियर किया है। अभी ये क्लियर है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अब ग्रीन हो गया है, और नीचे भी ये डेंसर का मार्का आ गया है, ठीक हो गया। इसका बोर्ड पहले चेंज हुआ गया। एक बोर्ड आपके पास होना चाहिए ऐसे वाला, जिससे आप इसकी जो है ना, ये प्रिंट वाली जगह जो है ना, आप चेक कर सकते हैं कि ये प्रिंट कहाँ कहाँ पे 12 वोल्ट इसके जा रहे हैं। हद तक के 12 वोल्ट यहाँ पे भी आ रहे थे, ये जो केबल है ना भीजिए, यहाँ भी 12 वोल्ट आ रहे थे। ये नहीं कि यहाँ जलने से इसका हिस्सा ये जो था डैम्प हो गया था, ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है और फिर सारा क्लियर हो गया। ऐसा बोर्ड एक ही मेरे पास था, वैसे तो मेरे पास काफ़ी बोर्ड हैं, लेकिन ये मॉडल का एक ही, इस शक्ल का डायग्राम के हिसाब से एक ही था। आपको डायग्राम चाहिए, हो सकता है गूगल में ना मिले, कभी ऐसा मसला आए तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका डायग्राम दे दूँगा। तो ये था इसका प्रॉब्लम जो मैंने क्लियर किया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।